फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है अच्छी प्रैक्टिस करना। और इस प्रैक्टिस के लिए मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ मैथ्स का एक मॉक टेस्ट पेपर, जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है जो क्लास 5 का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं या फिर किसी भी स्कूल में क्लास 6 का एडमिशन टेस्ट देने वाले हैं। मार्कशीट है 20 मार्क्स का और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको सॉल्व करना होगा 40 टू 45 मिनट्स में। आप इस वर्कशीट को सॉल्व करें और आप ये देखें कि लिमिटेड टाइम में आप कितना ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है 20 मार्क्स का और हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं, जिससे आप फाइनली देख सकें कि आप इस मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के बाद कितना स्कोर कर पाए हैं। किसी भी स्कूल में क्लास 6 एडमिशन टेस्ट के लिए मैथ्स का पेपर तैयार करने के दो तरीके होते हैं। या तो क्वेश्चन दिया होता है और उसके साथ साथ स्पेस प्रोवाइड किया होता है जहां पर आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिखाना होता है, लेकिन कई स्कूल में क्वेश्चन दिए होते हैं और साथ ही चार ऑप्शंस दिए होते हैं और इन चार ऑप्शन में से एक सही आंसर होता है जिसे आपको टिक करना होता है या फिर OMR शीट में रिस्पेक्टिव आंसर को आपको कलर करना होता है। क्लास 6 एडमिशन टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे? टॉपिक्स वही होंगे जो आपने किसी भी स्कूल में क्लास 5 में पढ़ा हुआ है। आप किसी भी स्कूल बोर्ड में पढ़ रहे हैं, क्लास 5 का मैथ्स बुक आप निकालें और उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसकी तैयारी आप करें, तो आपका किसी भी स्कूल का क्लास 6 एडमिशन टेस्ट का पेपर निकालना मुश्किल नहीं होगा। तो क्लास 5 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये टॉपिक्स हैं प्लेस वैल्यू, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस, मल्टीप्लिकेशन डिविजन एंड देयर एप्लीकेशंस, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, शेप्स, पैटर्न्स, ज्योमेट्री बेसिक्स, मेजरमेंट्स, पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, टाइम एंड हैंडलिंग डेटा। तो चलिए इस मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इंपॉर्टेंट टिप मैं आप स्टूडेंट्स को देना चाहूंगी कि जो भी क्वेश्चन पेपर होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, इस तरह से बना होता है जिसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं, और ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि कौन सा टॉपिक उनको डिफिकल्ट लगता है या कौन सा आसान लगता है। तो शुरुआत करने से पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देखें और जो भी क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है उसे पहले सॉल्व करें, उसके बाद दूसरे डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इससे दो चीज़ें होती हैं। पहला, जब आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दूसरा, अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर दें और बाकी क्वेश्चन जो आपको आता था, जो आपके लिए इजी था, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ज़्यादा समय ना बचे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले शुरुआत आप उस क्वेश्चन से करें जो आपको आसान लग रहा है, उसके बाद आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं उसकी नंबरिंग अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 1, 6 मल्टीप्लाइड बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये कैलकुलेशन का सवाल है, बहुत ही ईजी है। आंसर होगा 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रोमन न्यूमरल फॉर 67। 67 को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे? आंसर होगा LXVII। तो यहां पर L क्या है? 50, X 10, तो 50 प्लस 10 60 हो गया, V 5 और 1 प्लस 1 यानी 7, तो टोटल हो गया 67। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 8s इन 160? 160 में कितनी बार 8 आएगा? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हरबरी में स्टूडेंट इसे भी गलत कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? 160 को 8 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 20, यानी 160 में 20 बार 8 आता है। नंबर 4, व्हाट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 100? 10 एंड 100 का प्रोडक्ट यानी 10 एंड 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस आंसर को ट्वाइस करेंगे यानी दोगुना करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 1000। अब इसे ट्वाइस करना है, टू टाइम्स करना है, तो आंसर होगा 2000। क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 एंड 31? 13 एंड 31 में प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? अब ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइम फैक्टर्स होता क्या है। प्राइम फैक्टर मतलब कोई भी नंबर है उसके कितने फैक्टर्स हैं, यानी कौन कौन से नंबर है जो कि उस दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करता है और वो नंबर प्राइम है। मतलब कि 13
और 31 के पहले तो देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है, यानी कौन कौन सा नंबर 13 और 31 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, और जो नंबर आता है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि 13 और 31 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इनके कोई फैक्टर्स नहीं है, वन है या फिर नंबर इटसेल्फ है, तो इसलिए इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स भी केवल वन ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 1/4 आवर्स इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 6 आवर्स कितना होगा, 6 × 60 इक्वल टू 360 मिनट्स। अब 1/4 आवर्स वो कितने मिनट्स होंगे, 60 × 1/4 इक्वल टू 15 मिनट्स, 360 + 15 इक्वल टू 375 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस रोटेट्स 32.49 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट विल बी इट्स स्पीड पर आवर। यूरेनस 3 घंटे में 32.49 किलोमीटर घूमता है, उसकी स्पीड पर आवर क्या है वो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, 32.49 किलोमीटर को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 10.83 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राहुल हैज 202 रबर स्टैम्प्स, ही वांट्स टू गिव द सेम नंबर ऑफ स्टैम्प्स टू ईच ऑफ हिज 9 स्टूडेंट्स, इफ ही गिव्स अवे एज मेनी स्टैम्प्स एज ही कैन, हाउ मेनी स्टैम्प्स विल बी लेफ्ट ओवर। मिस्टर राहुल के पास 202 रबर स्टैम्प्स है और स्टूडेंट्स है 9, इन 9 स्टूडेंट्स को बराबर बराबर वो स्टैम्प्स देना चाहता है, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास फाइनली कितने स्टैम्प्स बचेंगे। तो ये सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है, तो जब हम 202 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 4, तो हमारा आंसर होगा 4 कि मिस्टर राहुल के पास अब केवल 4 रबर स्टैम्प बचेंगे अगर वो 9 स्टूडेंट को बराबर बराबर स्टैम्प्स बांट देता है, और वो बराबर होने की संख्या क्या होगी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया गया है और एक नंबर मिसिंग है, उसमें कौन सा करेक्ट नंबर आएगा, 4, 12, 36 - 324, 972। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पैटर्न समझना है कि किस तरह का पैटर्न है। तो जब आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे पहले नंबर से दूसरा वाला नंबर 3 टाइम्स होता जा रहा है, जैसे 4 3 = 12, 12 3 = 36। तो 36 के बाद क्या आएगा, आप आगे के सीक्वेंस में भी देख सकते हैं, 324 × 3 972 आता है, यानी जो ब्लैंक है उसमें आंसर होगा 36 × 3 = 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रॉअर इन रिचा'स कबर्ड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर हाई एंड 45 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉअर। रिचा के कबर्ड के ड्रॉअर की जो मेजरमेंट है वो दी गई है कि वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और 45 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि ये एक क्यूबॉइड शेप में है, तो इस क्यूबॉइड ड्रॉअर का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, लेंथ है 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ है 45 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13,500 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन, नेहा वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क हुज साइड इज 70 मीटर, वन डे शी वॉक्ड अराउंड अ पार्क 5 times, हाउ मच डिड शी वॉक इन ऑल। नेहा एक स्क्वायर पार्क का चक्कर लगाती है जिसका एक साइड 70 मीटर है, एक दिन वो उस पार्क के 5 चक्कर लगाती है, तो उस दिन नेहा ने कितने किलोमीटर वॉक किया। वो स्क्वायर के चारों ओर घूमती है, यानी हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा। स्क्वायर का एक साइड है 70 मीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, तो 70 × 4 हो गया 280। एक चक्कर लगाती है तो वो 280 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, उस दिन पार्क के 5 चक्कर लगाए, इसलिए 280 × 5 = 1400। तो आंसर होगा कि नेहा ने 5 चक्कर में उस दिन 1400 किलोमीटर का चक्कर लगाया। क्वेश्चन, नीलम प्रिया सूरज एंड श्यामा गॉट एन एवरेज ऑफ 95 पॉइंट्स ईच इन स्पेलिंग कॉम्पिटिशन, व्हाट वॉज देयर टोटल स्कोर। नीलम प्रिया सूरज और श्यामा ये 4 स्टूडेंट है और उन्होंने स्पेलिंग कंपटीशन में जो एवरेज मार्क्स स्कोर किया वह है 95 पॉइंट्स। तो एक्चुअल में उनके टोटल स्कोर कितने थे,
एवरेज दिया गया है 95 पॉइंट्स। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। टोटल नंबर ऑफ स्कोर निकालना है तो उसे हम एक्स मान लेते हैं, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? चार। तो एक्स डिवाइडेड बाय फोर इक्वल टू कितना आ रहा है? 95 पॉइंट्स, क्योंकि एवरेज हमें दिया गया है 95 पॉइंट्स। तो x की जब हम वैल्यू निकालेंगे 95 into 4 इक्वल टू 380 पॉइंट्स, यानी नीलम, प्रिया, सूरज और श्यामा के जब हम टोटल मार्क्स को ऐड करते हैं तो टोटल पॉइंट्स आता है 380 पॉइंट्स। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4। 2/3 क्या है? डिविडेंड है, यानी 2/3 को डिवाइड करना है 1/4 से। 1/4 डिवाइजर है। पहले हम क्या करेंगे, 1/4 जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल यानी उसे पलट देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा 4/1। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 8/3, और जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, डिवाइड करेंगे 8 को 3 से, तो आंसर आएगा 2/3। उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे, तो इसे लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ग्रेटर, 61.2 प्लस 5.31 या फिर 48.72 प्लस 12.9। यहाँ पे स्टूडेंट डेसिमल का जरूर ध्यान रखें। तो जब हम सॉल्व करेंगे 61.2 प्लस 5.31 तो आंसर होगा 66.51, और जब हम ऐड करते हैं 48.72 प्लस 12.9 तो आंसर आता है 61.62। तो हमें ग्रेटर नंबर कौन सा है इनमें से? 66.51। तो हमारा आंसर होगा 61.2 प्लस 5.31 इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा हैंडलिंग का, द एनवायरमेंटल क्लब ऑफ अ स्कूल गोज टू द बीच वंस अ वीक टू क्लीन इट अप, द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैश दे कलेक्टेड फ्रॉम द सी शोर। किसी स्कूल का एनवायरमेंटल क्लब है जो एक बार समुद्र तट पर जाता है और वहां पे जितने भी कचड़े फैलाए हुए हैं उसे उठाकर वो साफ करते हैं। तो ये बार ग्राफ दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि उस दिन उनको प्लास्टिक बॉटल्स कितनी मिली, मेटल कैंस कितने मिले, प्लास्टिक पैकेट्स कितने मिले और फूड कंटेनर्स कितने मिले। अब आपको इस ग्राफ को समझते हुए दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट डज ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट, एक स्क्वायर कितने नंबर ऑफ ट्रैश को रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर है 2, क्योंकि 0 है, फिर एक स्क्वायर के एंड पे 2 है, फिर 4 है, 6 है, इस तरह से हम देखते हैं एक स्क्वायर इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बैग्स ऑफ प्लास्टिक पैकेट ट्रैश वेयर फिल्ड, कितने प्लास्टिक पैकेट्स मिले? तो आप ग्राफ को देखेंगे कि येलो वाला प्लास्टिक पैकेट्स के लिए है और ये एंड हो रहा है 19 पर, तो आंसर होगा 19 बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर बैग्स वेयर फिल्ड विथ मेटल कैंस देन प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स से कितने ज्यादा मेटल कैंस थे? ग्राफ को देखेंगे, मेटल कैंस कितने हैं? 14। प्लास्टिक बॉटल्स कितनी है? 8। तो 14 - 8 = 6, यानी मेटल कैंस प्लास्टिक बॉटल से 6 ज्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ट्रैश डिड द स्टूडेंट्स कलेक्ट इन ऑल, टोटल कितने बैग्स ट्रैश के स्टूडेंट ने कलेक्ट किए? तो जब हम सबको प्लस करेंगे, प्लास्टिक बॉटल्स कितने थे? 8 प्लस मेटल कैंस कितने? 14 प्लस प्लास्टिक पैकेट्स कितने? 19 प्लस फूड कंटेनर्स कितने? 12। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 53 बैग्स। ये था एक सैंपल टेस्ट पेपर। उम्मीद करती हूँ इस तरह के मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।